प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता गजल का शेष भाग पढ़ेंगे। इस कविता का परिचय केंद्रीय भाव तथा कुछ पंक्तियों को हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। तो छात्रों, आइए हम सब इस गजल की आगे की पंक्तियों को पढ़ें और उसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करें। अगली गजल है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जल कर मोम के भीतर दिखो। महसूस होना अर्थात अनुभव होना, दिल की जलन से तात्पर्य है किसी के मन की पीड़ा, उसका दुख, उसका दर्द। छात्रों, प्रस्तुत गजल में गजलकार श्री माणिक वर्मा जी ने यह बताया है कि हमें प्रत्येक मनुष्य के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखना चाहिए। जब तक हमारे मन में लोगों के प्रति संवेदना नहीं होगी, सहानुभूति नहीं होगी, तब तक हम सच्चे अर्थों में उनके मन की पीड़ा, उनके दुख, उनके दर्द का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उनकी पीड़ा को, उनके दिल की जलन को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बिना संवेदना के उसके कष्ट, उसके दुख, उसकी पीड़ा महसूस नहीं की जा सकती। कहा भी गया है, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। अर्थात जो स्वयं दुखद स्थिति से नहीं गुजरा है, वह दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कैसे लिखा है, आपको महसूस होगी, महसूस होना अर्थात अनुभव होना। आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। कब, क्या जान पाएंगे? हर एक दिल की जलन, हर एक दिल अर्थात प्रत्येक मनुष्य के मन की पीड़ा, उसका दर्द, उसका दुख। कब? जब आप उसके प्रति संवेदनशील होंगे, मन से, हृदय से उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जुड़ेंगे तब। उदाहरण कैसे दिया गया है, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मोम वैक्स होता है, दिवाली में आप मोमबत्ती जलाते हैं। वैसे भी घरों में किसी आकस्मिक घटना, जिस दिन बिजली वगैरह चली जाए, तो प्रकाश के लिए मोमबत्ती की व्यवस्था होती है। वह मोमबत्ती किसके सहारे से जलती है? धागे के सहारे से जलती है।
मोमबत्ती में क्या रहता है, धागा रहता है। जलती तो मोम ही है पर उसके साथ साथ धागा भी जलता है। धागा भी मोम की जलन की पीड़ा को महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वह उसके साथ रहता है। इसी तरह से हमें भी जो दीन दुखी हैं, पीड़ित हैं, हम उनके साथ खड़े रहें, उनकी उनके प्रति सहानुभूति रखें, संवेदना रखें और यथासंभव उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनका दुख बांटने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से इस गज़ल का शब्दार्थ या आशय समझा जा सकता है। दूसरी गज़ल है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। छात्रों, प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार ने हमें यह बताया है कि किसी की मुसीबत में हमारी थोड़ी सी भी मदद उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। कहा भी जाता है डूबते को तिनके का सहारा होता है। तात्पर्य कि मुसीबत में पड़े मनुष्य के लिए हमारी थोड़ी सी भी मदद उसके लिए बड़ा सहारा, बड़ा आश्रय बन जाती है। हमारी थोड़ी सी मदद उसका हौसला बढ़ा देती है, उसकी उम्मीद बढ़ा देती है, उसमें उसकी निराशा में आशा की किरण फूट पड़ती है और वह निराशा का बंधन तोड़कर उत्साह के साथ आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बस हमारे मन में इतनी सी भावना होनी चाहिए कि हम यदि किसी को कहीं भी मुसीबत में, संकट में पड़ा देखें तो जितना हो सके थोड़ी बहुत सहायता अवश्य करें। हमारी थोड़ी सी सहायता से वह बड़ी समस्या से उबर जाएगा, बच जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसे एक आत्मबल मिल जाएगा, हौसला मिल जाएगा और वह स्वयं समस्याओं का मुकाबला करके उन्हें पछाड़ सकेगा, उन पर जीत हासिल कर सकेगा। क्या लिखा है? एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जुगनू एक प्रकार का कीड़ा है, आप जानते हैं रात में वह जब घना अंधेरा होता है तब वह प्रकाश पैदा करता है, उसका प्रकाश क्षणिक होता है, पलक झपकाने में भी देर लगती है, उससे भी कम समय तक उसका प्रकाश होता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अंधेरे में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत छोटा सा प्राणी है लेकिन उसके मन में जो अंधकार में फंसे हुए हैं, चारों तरफ गहन घोर अंधकार अंधेरे से घिरे हुए हैं, उनकी मदद की भावना है, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह से हमें ये नहीं समझना है कि हम क्या हैं, हमारी सामर्थ्य क्या है, हम कितना लोगों के लिए कर सकते हैं। हमारे पास जितना है उतना लेकर ही हम दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। हमारी थोड़ी सी मदद, छोटी सी मदद, हमारे द्वारा कहे गए शब्द, वाक्य भी उसके लिए क्या होते हैं, काफ़ी होते हैं, सहारा बन जाया करते हैं।
वक्त की इस धुंध में, धुंध अंधेरा कुहरा, जहाँ पर कुछ भी स्पष्ट साफ साफ दिखाई न दे, वक्त की, वक्त अर्थात समय। आजकल कहते हैं कि चारों तरफ समस्याओं का, मुसीबतों का, मुश्किलों का धुंध फैला हुआ है। मनुष्य को अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो हताशा निराशा के इस धुंध में, अंधकार में फंसे मनुष्य के लिए हम थोड़ा सा सहारा दे करके, अपना आश्रय दे करके उसके लिए क्या बन जाएं? रोशनी बन जाएं, प्रकाश बन जाएं, और वह हताशा निराशा के अंधेरे से हमारे द्वारा दिए गए, हमारे द्वारा की गई मदद से, हमारे द्वारा दिए गए सहारे से वह रोशनी पा करके, हौसला पा करके, आत्मबल पा करके वह हताशा के अंधकार से निकल जाएगा, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएगा, मुसीबतों से उबर जाएगा। तो इस तरह से छात्रों, इस गज़ल से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितना हैं, हमारे पास क्या है, महत्व इस बात का नहीं है। महत्व इस बात का है कि जितना भी है, हम जितना भी कर सकते हैं, जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, अपने वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह क्षमता लेकर के हम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। हमारी थोड़ी सी मदद एक कठिन समस्या में, बड़ी परेशानी में फंसे मनुष्य के लिए आशा की किरण बन जाएगी, उसे हौसला मिल जाएगा, आत्मबल मिल जाएगा, और वह निराशा से पार हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगली गज़ल है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, वास्ते अर्थात लिए, मर्यादा, मर्यादा का अर्थ है सीमा, अर्थात हमारे हर व्यवहार की एक सीमा रेखा है, और हमें अपने व्यवहार में उस सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। उसी मर्यादा या सीमा को हम शिष्टाचार और अनुशासन भी कहते हैं, कि जो मनुष्य मर्यादा में रह करके, अपनी सीमाओं में रह करके, अनुशासन में रह करके अपना जीवन गुजारता है, व्यवहार करता है, संसार में चलता है, रहता है, वही अपने लक्ष्य तक ठीक तरह से पहुंच पाता है, अपना जीवन सार्थक कर पाता है, और समस्याओं से बचा रहता है। जब मर्यादा का उल्लंघन होता है, जहाँ पर भी मर्यादा का उल्लंघन होता है, वहाँ पर समस्याएं स्वतः आ जाती हैं। कभी भी हमें अपने आचार व्यवहार, नियम संस्कार और विधि विधान की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत गजल में गजलकार माणिक वर्मा जी ने यही बताया है, सीप जो होती है बहुत कठोर होती है, उस कठोर आवरण के भीतर रहकर ही मोती बनता है। अगर मोती के ऊपर सीप का कठोर आवरण न हो तो पानी की बूंद कभी मोती नहीं बन सकती है। तो इसी तरह से हम सबके आचार व्यवहार के ऊपर अनुशासन का, मर्यादा का कठोर बंधन होता है, सीमाएं होती हैं, और हमें उन सीमाओं में बंध कर रहना चाहिए, सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इस गज़ल के माध्यम से माणिक वर्मा जी ने बताया है कि
कि प्रत्येक मनुष्य, हमारे प्रत्येक कार्य और व्यवहार की सीमाएं हैं। हमें अपना प्रत्येक कार्य उस मर्यादा अर्थात सीमा में रहकर ही करना चाहिए। जीवन में सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए। जीवन में कभी भी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वच्छंद अर्थात मनमाना आचरण, किसी की ना सुनना, किसी की कहे गए बातों पर विचार न करना, ये क्या है? स्वच्छंदता है। और जहाँ स्वच्छंदता आती है वहाँ समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। जैसे ही हम मर्यादाओं की चौखट लांघते हैं मुसीबत में पड़ जाते हैं, और मर्यादा में रहकर आचरण करेंगे तो जीवन में मोती जैसा मान सम्मान प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से छात्रों, इस गज़ल से हम सबको गज़लकार ने यह सीख या संदेश देने का प्रयास किया है कि हम सब हमेशा अपने आचार व्यवहार में, आचरण में मर्यादाओं का पालन करें, अनुशासन का पालन करें। जहाँ मर्यादा और अनुशासन नहीं होता है वह घर, समाज, व्यक्ति जो है जल्दी ही पतन की राह पर अग्रसर हो जाता है, पतन के गर्त में जा गिरता है। अगली गज़ल है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार के द्वारा हमें कली, फूल और तितली के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म करने में हानि लाभ या यश अपयश की बातें नहीं सोचनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, जो कली फूल बनने से डरती है उसे तितली के टूटे पंखों को देखना चाहिए। तितली फूल तक पहुंचने के लिए अपने टूटे परों का ख्याल नहीं करती। वह इस बात से नहीं डरती कि फूल तक पहुंचने के लिए बाधाएं हैं, कांटे हैं, और वे कांटे मेरे परों को फाड़ देंगे, तोड़ देंगे। इसी प्रकार हमें भी अपना कर्म करते समय परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल फूल बनने से डरने वाली कली को तितली के टूटे परों से प्रेरणा लेनी चाहिए। छात्रों, इस गज़ल की, इस कविता की अंतिम गज़ल है, कोई ऐसी शक्ल, शक्ल अर्थात सूरत, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इस गज़ल में गज़लकार माणिक वर्मा जी कहते हैं कि यह संसार मनुष्यों का सागर है, भीड़ है, असंख्य मनुष्य हैं इसमें। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो। अर्थात इस गज़ल का भाव इस तरह से हम समझें कि कोई तो ऐसा मनुष्य दिखे जिसमें दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति की भावना हो, जो दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाता हो,
इस संदर्भ में रहीमदास जी की एक दोहा याद आती है। उन्होंने लिखा है, दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखय न कोय, जो रहीम दीन ही लखय दीन बंध सम होय। तो यहाँ पर जो ईश्वर परमात्मा या दीन बंधु को किसी मनुष्य में देखने की कल्पना कवि ने की है, गजलकार ने की है, वह इसी अर्थ में की है। जब मनुष्य सच्चे मन से दीन दुखियों की सेवा करता है तो वह दीन बंधु हो जाता है, वह मनुष्य से भगवान बन जाता है। इस जगत में, इस गजल में माणिक वर्मा जी ने यही भाव व्यक्त किया है कि हम सब गरीबों की, दीनों की सेवा सहायता करके उनकी दृष्टि में दीन बंधु बने। तो छात्रों, इस तरह से यह गजल शीर्षक कविता पूरी हुई। आशा है आप लोगों ने इसके भावार्थ अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। धन्यवाद।